यार बारिश बहुत तेज़ हुई आज ना, तो लिहाजा आप लोग केयरिंग करें। मैंने तो अपने बर्ड्स को पूरा कवरिंग किया हुआ आप लोगों को पहले दिखाया था। मैंने छत भी ऊपर से ढक दिया था, तो प्रॉपर पूरा इनको जो है ना मैंने एक गर्म माहौल बना के दे दिया था। मुझे बारिश का पता चल गया था एक दिन पहले ही, तकरीबन 2 दिन पहले ही से मुझे यानी नेट में जो है वो चल रहा होता है कि यार बारिश होने वाली है। तो इस वजह से जो है ना मैंने जो है ना वो मैंने बोला यार रिस्क लेने का नहीं है, तो लिहाजा अपने बर्ड्स को आप पहले ही वो कर लो, सेफ्टी कर लो, ताकि आपके बर्ड जो है महफूज रहे और आपको हफड़ा दफड़ ना हो, ठीक है ना। ये खिड़की खुला है, यहाँ से आप देख रहे हैं बारिश थोड़ा वफ़े वफ़े से जो है वो बारिश तो हो रही है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि ये हो सकता है 5-6 बजे तक 7 बजे तक चलता रहे इसी तरह। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ढक खुला होता, मैंने यहाँ से इनको एक हवा आने जाने के लिए वो दे दिया, स्पेस छोड़ दिया, ताकि यहाँ पर इनको कोई घुटन महसूस ना हो, ठीक है ना। इनका स्मेल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें बाहर निकलते भी रहे, ठीक है। इनके पेरेंट्स को मैंने अलग कर दिया था, इनको उसमें कॉलोनी में डाल दिया था। अभी ये जो है चिक्स जो है वो इंशाल्लाह सेल्फ तो हो चुके हैं, ठीक है ना। तो खुद ही खाने लग गए, इस वजह से मैंने इनके पेरेंट्स को अलग कर दिया था, ठीक है। तो थोड़े से और इनके चोंच जो है वो रेड पन पे आ जाएंगे, तो फिर मैं इनको इन पट्ठों के साथ छोड़ दूँगा, ठीक है ना। इन पट्ठों के साथ छोड़ दूँगा, ताकि ये इन पट्ठों के साथ ही रहे और अपने मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजारते रहे इनके साथ। और ये है भाई आज की जो है वो बातें जो है हमारे पास, जो है हमने कहा था कि भाई बारिशें आ रही है, सर्दी है जो है वो आपके साथ जो है वो समझ ले सर्दी का भी मौसम, यानी बारिश हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर वो गर्मी आने स्टार्ट हो जाएगी, ये समझ ले गर्मी आने के लिए बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो अभी बस अब यही यही है, बस बारिश ख़त्म हो जाएगी इसके बाद फिर गर्मी आना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा फिर आप लोग वक्त के हिसाब से अपने केज को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सफाई करना शुरू कर दीजिएगा, और इनकी जो आपने जो ढाका ढुकी है जो भी है कवरिंग किया हुआ कवर किया हुआ, इसको आप साफ़ सुथरा करके बिल्कुल इनको रिलैक्स छोड़ देंगे, ताकि ये आज़ादी से धूप का भी मज़ा ले सके और हवा का भी मज़ा ले सके, ठीक है। हवा में अगर ठंड पन ना हो तो आप लोग इसको तब खोलिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे कॉलोनी के बर्ड्स भी जो है वो घबरा जाते हैं, इनको लाइट लगता है आँखों में, तो ये अपने मटकियों से को छोड़ कर आगे पीछे भाग जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक साइड पर जाके बैठे हुए, और इनको जो है वो एक डर सा महसूस होता, पता नहीं क्या है, क्योंकि केज पूरा बंद है ना, चारों तरफ ढका हुआ है, तो लिहाजा ये लोग सही जज नहीं कर पाते कि यार इनको शायद कोई हमला करने आ रहा है, या इनको कोई डरा रहा है, या इनको कोई पकड़ लेगा, इस तरह की इनकी फीलिंग आती है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोगों को, आप लोग अपने इन्जॉयमेंट में लगे रहें, अपने अंडों में जाके मटकियों में जाके बैठ जाएँ, दोबारा से हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अपने अपने लोगों से, अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर्स से बस यही रुजू करूँगा कि यार आप लोग अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, और अभी जो है वो आप गर्म चीज़ों का अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बारिश है, थोड़ा हवा में ठंडपन है, तो लिहाजा आप लोग ठंडी चीज़ें ना खिलाएं, ठीक है ना। और उबले हुए चावल भी इस वक्त ना दें, क्योंकि उसका तासीर थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा मौसम जब गर्म होता है उस वक्त आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ अभी ना दें, ठीक है। लूसन आप दे सकते हैं, एक फूड दे सकते हैं, और सब्ज़ी वगैरह जो है वो आप गाजर वगैरह हो गया है, और बंद गोभी वगैरह हो गया, पालक वगैरह हो गया, ये चीज़ आप अभी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा फजूल चीज़ें भी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने दानों में जो है फ़िश ऑयल जो है वो मिक्स कर दें, ताकि ये गर्म रहे, ठीक है। और झींगे का पाउडर यह भी आप दे सकते हैं इनको, ठीक है। तो ज़्यादा ऑल फुल चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, ताकि आपके बर्ड जो है वो बिगड़ ना जाए, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज, ठीक है। अच्छी है लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बेटे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको भी लाजमी दबा दिया करें, देख रहे हैं इसको लाजमी दबाया करें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। ओ बाबर आजम ने क्या छक्कू मारा, उरी बाबा, उरी बाबा, मोटी ने पोटलू को चौका मार दिया, उरी बाबा, उई बाबा, क्या खेल रहे हो, उरी बाबा, ये बाबर आजम बन गया, मिनी बाबर आजम बन गया, उरी बाबा। मिस्टर सुबान एंड मिस्टर इबाद बॉलिंग कराने जा रहे हैं, और इस सुबान ने ये मारा और बल्ला पकड़ के, और ये कुछ नहीं कर सके, उरी बाबा 70 पे मार दिया।
तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों का जा रहा है ना बैटरिंग, और दोनों जो है एक दूसरे को जो है ना वो आउट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं आउट कर पा रहे हैं। ये हमारा छोटा जो मिनी पैक है ये जो है बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहा है, बाबर आजम का पूरा कॉपी ले चुका है, और पीछे जो शुएब अख्तर है वो सिर्फ थक गए बॉल करा करा के, लेकिन इन्होंने चोरी किया है। और चोरी करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि लिहाजा ये जो है अच्छा आप जैसे भी खेलना है वीडियो आई मीन बॉलिंग करा है, और बॉलिंग करा कर ये आपने इसको बोल्ड मार दिया नहीं दिखता। चलो ये इनका कोई बात नहीं, ये इनको दो बॉल मार, इनके ट्राई बॉल चल रहे होते हैं। लो भाई आप लोग देख सकते हैं छीना छीना चपटी हो रहा है इन लोगों का, लड़ाई झगड़ा इनका ऐसा चलता है कि जैसे इनको फलस्तीन और जो है ना जापानीज की चक्कर में इन लोगों ने आपस में बॉल लेना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये जा रहा ना बैटिंग करते हैं, और ये इन्होंने बल्ला घुमाया और कुछ नहीं कर सके, मोए मोए हो गया। वही 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 गेम तो किधर गया, गेम तो उड़ गया, किधर उड़ गया, मोए मोए हो गया। तो ये आया मिस्टर, ओ व्हाट अ शॉट, नहीं, वन टिप आउट नहीं है, आपने कैच छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये कौन सा चाइना गेम खेल लोगे, गेंद रख के आ गया वन टिप आउट है चलें। ये इन्होंने रूल बना दिया वन टिप आउट है, तो ये मिस्टर सुबान बॉलिंग कराने के लिए आए, मिस्टर ये बात बॉल कर रहे हैं और मैं यहाँ पर फील्डिंग कर रहा हूँ बिला वजह का। तो आप देख सकते हैं नाजरीन, ओह व्हाट अ शॉट। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, जितना करेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा क्या होगा शेयर करने के बाद ही पता लगेगा आप लोगों को। ठीक है, जब तक लीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।